बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खातिन हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक लफ्ज़ हमने बहुत सालों से, बरसों से सुना, अभी सुनते आ रहे हैं, पर अब ज़रा कम हो गया, ये है मखलूत तालीम। मखलूत तालीम आम तौर पर एक वजह तनाज़ा बना रहता है, पर इसके अगर कुछ लोग फ़ायदे बताते हैं तो इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। वो बच्चे और बच्चियाँ ख़ास तौर पर जो छोटे शहरों से आते हैं और बड़े शहरों में आके एक क्लास में इकट्ठे, जहाँ लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं, वहाँ पढ़ते हैं, तो असल में यहाँ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन सिर्फ तालिबिल्मों की बहम नहीं होती, इसमें जो नया पन आता है वो तब आता है कि जब आपका वास्ता उन लोगों से पड़ता है कि जो मर्द होते हैं। लाइक ये यूनिवर्सिटी की बस के ड्राइवर भी हो सकता है, ये यूनिवर्सिटी की बस का कंडक्टर भी हो सकता है, ये यूनिवर्सिटी का क्लर्क भी हो सकता है, ये आपकी क्लास का टीचर भी हो सकता है। सो इतनी रेंज है इनकी। और बच्चियाँ आमतौर पर चूँकि छोटे शहरों से आई होती हैं या इज़्ज़तदार घरों से, जहाँ उन्होंने कभी मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्ट नहीं किया होता। अच्छा, ज़िंदगी में अगर ये तजर्बा आपको ना हुआ हो तो याद रखिएगा, आने वाले बरसों में जब आप बड़े हो जाते हो तो भी आपको बहुत नुकसान होता है। आपके अंदर एक डर, एक खौफ, एक अदम एतमाद वाली कैफियत होती है। मुझे याद है यूनिवर्सिटी में बाज़ बच्चियाँ तो बहुत डरी होती हैं, पर बाज़ बड़ी ही बहादुर और बोल्ड होती हैं, उन्हें बात करते हुए ज़रा डर नहीं लगता और वो ऐसे धड़ल्ले से बात कर देती हैं। एक यूनिवर्सिटी के टीचर के बारे में ये सभी लोग जानते थे कि वो आते जाते लड़कियों को या जहाँ खड़ी हों तो वो उनको जानबूझ के कोहनी लगाते थे या उनको हाथ से टच करते थे। तो एक दफ़ा उनकी क्लास की एक लड़की ने, जो बिल्कुल नई नई आई थी और वो घर से ये सीख के आई थी कि किसी बात पे अगर कोई नागवार गुजरे, ऑकवर्ड लगे, तो बोल पड़ना है, चुप रहने का मतलब है अगले को आप मैसेज दे रहे हो यस इसको तुम दोबारा भी कर सकते हो। तो जो ही उन्होंने कोहनी को उसके जिस्म से टच किया तो उसने एकदम से शोर मचा दिया, सर ये आप हैं, आपकी कोहनी आके मेरे यहाँ अंदर तक घुस गई है। तो उसने एकदम से मुड़ के देखा, इतने सारे लड़के लड़कियाँ मुतवज्जे हुए और शर्मसारी से कहा उसने कि ये क्या तुम बात कह रही हो, सारी बातें कहने की थोड़ी होती हैं। ये जुमला जिन लड़कों ने सुना, जिन लड़कियों ने सुना, उनको महीनों याद रहा, बिकॉज़ वो जो शर्मसारी उसके चेहरे पर लिखी हुई थी वो भी उनको याद थी। इसी तौर पे हमारी यूनिवर्सिटी में जो बसें हैं उसमें लड़कियां लड़के इकट्ठे आते जाते हैं, अब तो कुछ बसें ऐसी हैं जहां लड़कियां सिर्फ होती हैं, उन बसों में लड़कियां बहुत आजमाइश में होती हैं, क्योंकि ड्राइवर आमतौर पे उनके अंकलों की उम्रों के होते हैं, लेकिन आते जाते ये ज़रूर उनसे टच करते हैं, इवन उनका कार्ड देखते हुए उनका हाथ को छू लेंगे, पास गुजरते हुए उनके कंधे पर हाथ रख देंगे। तो इसी तौर पे यूनिवर्सिटी की एक बस में एक बच्ची हमेशा, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो बहुत समझदार और बहुत बहादुर है, बाकी डर के सहम जाती थी पर वो नहीं सहमती थी। तो एक रोज़ उसने बाकायदा ज़ोर से कहा, अंकल आपको नज़र नहीं आता, दो दफ़ा मुझ पर गिरे हैं, आपका हर दफ़ा हाथ मुझको छूता है। तो उसने कहा, नहीं नहीं मैं तो यहाँ हूँ। उन्होंने कहा, झूठ क्यों बोल रहे हैं, अभी तो अब यहाँ मेरे साथ आपने मुझे हाथ लगाया। तो उसके बाद फिर अंकल के लिए वहाँ खड़े होने का मौका नहीं होता, फिर वो ज़ाहिर है फटाफट मुँह वहाँ से दुम दबा के भागा। इनफैक्ट बच्चियों में ये जुर्रत उनका घर पैदा करता है या उनका माहौल पैदा करता है। तो अगर घर वाले साथ हों, एजुकेट भी करें, साथ साथ एक लिहाज से ग्रूम भी करें कि ज़िंदगी में देखो, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लड़कियाँ कहीं बैठी हैं तो कोई गधा या गधे का बच्चा दूर से पास से गुजरेगा, एक दफ़ा गुजरा, दो दफ़ा गुजरा, फिर गुनगुनाने भी लग जाएगा। तो ऐसी गुनगुनाहट को अगर तो आपने इग्नोर किया तो अगली दफ़ा वो किसी और को भी साथ लेके आएगा, वो भी गुनगुनाएगा। और एक दफ़ा आपने अगर ज़ोर से बोल पड़े, अब हर यूनिवर्सिटी में वॉचमैन भी होते हैं और कहीं ना कहीं आते जाते सिक्योरिटी के और लोग भी होते हैं, तो जब आप एक दफ़ा ज़ोर से बोलते हैं कि कैसे कैसे गधे इस यूनिवर्सिटी में आ गए हैं कि जिनको ना उठने की तमीज़ है ना बैठने की तमीज़ है, तो ये कहीं ना कहीं से आवाज़ पहुँचती है किसी कान में। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, चोर अंदर से बहुत बुज़दिल होता है। एक तो उसकी जो चोरी की नीयत है वो उसको अंदर से बुज़दिल बनाती है, पर दूसरा ये है कि जो वो काम कर रहा होता वो भी कहता है फजीलत वाला नहीं होता। सो एक नीयत की ख़राबी,
वो उसको चोर बना रही है, दूसरा जो काम करने जा रहा है वो रिस्की है, और रिस्क में अगर तो आगे से पलट के जवाब आ गया। अब मुझे याद है क्लासेस में बाद जो लड़के पीछे बैठे होते हैं और बिल्कुल प्लान करके कि जब लड़कियां के बैठ जाती हैं तो उनके पीछे वो कुर्सियां डाल के एक एक दो दो, तो उनके कुर्सियों के पायों को या उनके कुर्सियों की टांगों को वो बाकायदा हिलाएंगे, अपने पौन लगाएंगे, खड़खड़ करेंगे। तो अगर भरी क्लास में कोई लड़की मुड़ के कह दे कि ये जलजला क्यों आ रहा है और कौन है जो क्लास में तंग करने से बाज नहीं आते, तो टीचर डेफिनेटली वो मेल हो या फीमेल हो मुड़ के ज़रूर देखता है, पूछता भी है बेटा क्या प्रॉब्लम है, तो आप उसे आसानी से बता देते हैं कि पता नहीं सर क्या प्रॉब्लम है, बार बार कुर्सी हिल रही है और कुछ हैं लोग जो छेड़ रहे हैं। अच्छा, ये लोग बेसिकली तवज्जो के तालिब होते हैं और साथ इस आस में होते हैं कि अगर हमारे ये करने से आँखें चार हो गई और तवज्जो मिल गई तो मुमकिन है यहाँ से बात चल पड़े और बातों की एक शाहरा उनको मिल जाए। पर अगर आपने स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया, ये मुश्किल आप पे जब भी आए, दफ्तर में भी आ सकती है, रास्ते में आ सकती है, कॉलेज में आ सकती है, यूनिवर्सिटी में भी, जिस जगह भी हो, सफ़र में, हज़र में, तो बहादुरी से उसको फेस करना ये आपके लिए बहुत सी मुश्किलें आसान कर देगा और बहुत सी मुश्किलों को आप तक आने से रोक देगा। बहादुर होना वाजिब है, बुजदिल होना ये बिल्कुल वाजिब नहीं है। बुजदिलों के लिए कोई ज़िंदगी नहीं होती और लड़की लोगों को तो हर सूरत में बहादुर होना चाहिए। बहादुरी आपके लिए कई तरह की लेयर बन जाती है और कई बुजदिलों को आप तक आने से रोक देती है। बहादुरी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर बुजदिली के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।